हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अतुल मित्तल। देखिए फ्रेंड्स, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट ने जो डेटा रिलीज किया है, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है वो 5 लाख करोड़ से एक्सीड हो गया है। देखिए 5 लाख करोड़ से गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन एक्सीड हो गया है। गवर्नमेंट सारे न्यूज़पेपर में यही न्यूज है। लेकिन क्या आपने सोचा, जब आपका टैक्स कलेक्शन 5 लाख करोड़ से बढ़ गया, टैक्स कलेक्शन में 34% की ग्रोथ हो रही है, तो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस बढ़ रही है, आप उसमें टैक्स में रिडक्शन कर सकते हो जब आपका टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सारे न्यूज़पेपर में यही न्यूज है कि 5 लाख करोड़ से आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया। तो देखिए, अभी जो बजट आया था, बजट में देखिए 2021-22 में 22 लाख करोड़ का आपका बजट का एस्टिमेट था टैक्स कलेक्शन का। फिर रिवाइज एस्टिमेट आपने 25 लाख कर दिया और जो प्री एक्चुअल फिगर आ रही है वो 27 लाख आ रही है। यानी बजट में जो एस्टिमेट था 22 लाख का था और प्री एक्चुअल फिगर 27 लाख करोड़ आ रही है, तो 5 लाख करोड़ का आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। और नेक्स्ट ईयर के लिए 22-23 के लिए इन्होंने 27.5 लाख करोड़ का इन्होंने एस्टिमेट रखा है। अब यदि हम ग्रोथ देखें तो देखिए ओवरऑल ग्रोथ टैक्स में 34% हुई है, डायरेक्ट टैक्स में 49% ग्रोथ है और इनडायरेक्ट टैक्स में 20% ग्रोथ है। अगर हम ट्रेंड देखें टैक्स रिसीट में, तो देखिए ये बजट से हमने डेटा उठाया है, तो देखिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.7% है इस साल का, तो ये अभी तक हाईएस्ट है। देखिए ट्रेंड देखिए 2013-14 से टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10.1-11.2 तक हाईएस्ट गया है। अब जो बजट था, बजट में इन्होंने टैक्स टू जीडीपी रेशियो 9.9% एस्टिमेट किया था, लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है, 11.7% हो रहा है, हाईएस्ट हो रहा है। और 11.7% में 6.1% डायरेक्ट टैक्स है टू जीडीपी रेशियो और इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 5.6% है। तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसमें डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स का उससे कम है। क्योंकि देखिए रिवाइज एस्टिमेट में इन्होंने 5.4 कर दिया था। नेक्स्ट ईयर के लिए जो बजट है उसमें इन्होंने टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10.7% रखा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, टैक्स बोयेंसी क्या होती है कि आपकी टैक्स में ग्रोथ कितनी है इन प्रोपोर्शन टू जीडीपी ग्रोथ। तो देखिए ये जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है ये करंट प्राइस पर हो रहा है, तो जीडीपी भी हम किस कौन सी लेंगे, नॉमिनल जीडीपी लेते हैं टैक्स बोयेंसी के लिए, क्योंकि ये करंट प्राइस पर कलेक्शन है, तो जीडीपी भी हम करंट प्राइस पर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में फर्स्ट एस्टिमेट आए थे 7 जनवरी को, आए थे फर्स्ट एस्टिमेट, उसमें नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ थी 17.4%। और 28 फरवरी को सेकेंड एस्टिमेट आए थे, उसमें 19.4% थी। तो देखिए इनको लेटेस्ट 19.4% लेनी चाहिए थी टैक्स बॉयेंसी निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या है, फर्स्ट एस्टिमेट ली है। तो टैक्स बॉयेंसी निकालने के लिए 34% डिवाइडेड बाई 17.4%, तो टैक्स बॉयेंसी इनकी जो आई थी वो 1.9 आई थी, 1 से ऊपर आई थी। यानी जीडीपी में 1% ग्रोथ हो रही है और टैक्स में 1.9% ग्रोथ हो रही है। इसी तरह डायरेक्ट टैक्स के केस में 49% डिवाइडेड बाई 17.4% ये आपकी आई थी टैक्स बोयेंसी, डायरेक्ट टैक्स के केस में 2.8, और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में 20% डिवाइडेड बाई 17.4% इसके केस में आई थी 1.1। तो देखिए टैक्स बोयेंसी विच इज ए मेजर ऑफ ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू एज कंपेयर टू जीडीपी ग्रोथ। तो यहां पर जीडीपी कौन सी लेनी है, नॉमिनल, क्यों, क्योंकि टैक्स भी आपका करंट प्राइस पर है, तो जीडीपी भी आप करंट प्राइस पर लोगे। अब देखिए टैक्स इज सेट टू बी बॉयंट इफ टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनेटली इन रेस्पॉन्स टू राइज इन नेशनल इनकम और जीडीपी। तो देखिए आपका क्या है, टैक्स बोयेंसी 1 से ऊपर है, यानी टैक्स आपका बोयंट है, जीडीपी में जितनी ग्रोथ हो रही है उससे ज्यादा टैक्स में ग्रोथ हो रही है। तो ये फ्रेंड्स प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। देखिए फ्रेंड्स, प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक आ रहा है। इकोनॉमी प्रीलिम्स के लिए हमने 8 घंटे का कोर्स लॉन्च किया आपके लिए, वो भी फ्री, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, नोट्स भी फ्री है, बुक भी फ्री है। 8 घंटे में आपकी प्रीलिम्स की इकोनॉमी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और मैं गारंटी देता हूं एक बार आप इस कोर्स को करिए, केवल 8 घंटे का आपका टाइम जाएगा, 8 घंटे में आप इकोनॉमी में मास्टर हो जाओगे। क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बुक है, इस साल हमने फ्री कर दी है। लास्ट ईयर इसमें से 12 क्वेश्चन आए थे, 14 क्वेश्चन इकोनॉमी के पूछे गए थे प्रीलिम्स 2021 में, 12 क्वेश्चन हमारी बुक से आए थे। इसके अलावा भी अगर आपको इकोनॉमी में कोई दिक्कत आती है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो,
फ़ोन पे बात कर सकते हो, आपको इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे हम डेली इकोनॉमी से रिलेटेड MCQ पोस्ट करते हैं और जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो हम उस पर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों की लिंक वीडियो के नीचे दी हुई है, आप एक बार उसको देखिए जरूर।